हाँ तो मैं अमेरिकन मूवी रेटिंग सिस्टम, इंडियन मूवी रेटिंग सिस्टम और जापानीज मूवी रेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के बाद मैंने सोचा कि अब चाइनीज मूवी रेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि भाई जब भी बचपन में एक्शन मूवी देखने की बात आती थी तो सबसे पहले चाइनीज मूवी आती थी माइंड में, क्योंकि भाई हम बहुत सारे देखे हुए हैं और मजा भी आता था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल पे सर्च किया जाए कि आखिर चाइना में मूवीज को रेटिंग करते कैसे। जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि चाइना में कोई मूवी रेटिंग सिस्टम है ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, तीन से ही काम चला, अमेरिकन, इंडियन और जापानीज मूवी रेटिंग सिस्टम से। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब ही कर लेना। तो आइए पता करते हैं आखिर इंडिया में हिंदी फिल्मों को रेटिंग कैसे देते हैं। सबसे पहले ये जान लो, इंडिया में फिल्मों की रेटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तय करती है, जो कि चार टाइप की होती है। सबसे पहले आते हैं यू रेटेड फिल्म्स, जिसको इंडिया में हर कोई देख सकता है बचपन से लेकर बचपन की उम्र तक। फिर आते हैं यूए रेटिंग्स, जिसको हर कोई देख सकता है लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी एडल्ट पर्सन की निगरानी में मूवी देखने के लिए कही जाती है। फिर आते हैं ए रेटिंग्स, ओनली फॉर एडल्ट्स, और इस मूवी को 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते क्योंकि इसमें वायलेंस और कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें बाद में पता चले तो अच्छी होती है। फिर आते हैं एस रेटिंग्स, जो कि हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होती क्योंकि इस फिल्म को मेनली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए बनाई जाती है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो आइए जानते हैं अमेरिका में फिल्मों के रेटिंग्स करते कैसे हैं, मतलब कौन फिल्म बड़ों के लिए है, कौन बच्चे के लिए है और कौन दोनों के लिए है। तो सबसे पहले ये जान लो, अमेरिका में पांच मूवी रेटिंग्स है, जिसमें पहला आता है जी यानी जनरल ऑडियंस, हर कोई देख सकता है इस फिल्म को पैदा होने से लेकर मरने तक के सफर में सभी कोई। दूसरा आता है पीजी रेटिंग, मतलब माता पिता के सुझाव में इस फिल्म को देखी जा सकती है। तीसरा आता है PG-13, मतलब जिसमें पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि ये 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। चौथा आता है आर रेटिंग, जिसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब 17 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ देखना जरूरी है। अब पांचवा है NC-17, ओनली फॉर एडल्ट्स, जिसका मतलब ये हो गया 17 या उससे कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, चाहे इसके लिए तुम्हें कूटना ही क्यों ना पड़े। इसको पहले एक्स रेटिंग के नाम से भी जाना जाता था। जापानीज मूवीज और एनिमे बहुत ज्यादा फेमस है, खास करके एनिमे, और जापान में फिल्म और एनिमे को रेटिंग एक ही तरीके से देते हैं। तो आइए समझते हैं जापानीज मूवी रेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले ये जान लो, जापान में फिल्म क्लासिफिकेशन एंड रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को ईरियन कहते हैं और इसके पास चार मूवी रेटिंग्स है। सबसे पहले आते हैं जी यानी जनरल ऑडियंस, जिसमें सभी लोग मूवी देख सकते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक। फिर आता है PG-12, जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने माता पिता की निगरानी में मूवी देखने के लिए सलाह दी जाती है। फिर आता है R-15 और 15+, जिसमें खास करके 15 साल से कम उम्र के बच्चे को ये फिल्म देखने के लिए मना किया जाता है क्योंकि कुछ चीजें होती है जो बच्चों के लिए सही नहीं होती है। अब है R-18 और 18+, मतलब ओनली फॉर एडल्ट्स, इस रेटिंग की फिल्म को 18 से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, अगर कहीं देखते हैं तो तुम उसे कूट भी सकते हो।